2005 में मेरे पिताजी को जनता ने विधायक चुना था और उनकी छवि आज बहुत ही ईमानदार नेता की छवि है। आज जो भी जनता है, जो भी जितने भी गांव में जानती हूँ, सभी बोलते हैं कि वो एक बहुत ही ईमानदार नेता रहे हैं। उन्होंने जितनी लोगों की नौकरियां लगवाई, जितने यहाँ विकास के कार्य किए, आज तक किसी विधायक ने नहीं किए। इस तरह का नेता चुने जो विकास के कार्य कराए और उनकी जिसकी ईमानदार छवि हो और उसी को लेकर आगे बढ़े। बाकी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 2005 में जनता ने मेरे पिताजी को चुना था और उनकी एक बहुत ही ईमानदार छवि है और उन्होंने बहुत से विकास के कार्य कराए थे, बहुत सी नौकरियां लगवाई थी। ये जो हमारा अस्पताल है पटौदी का, 50 बेड का अस्पताल है, उन्हीं के समय में शुरुआत हुई थी। चाहे कि ये कोर्ट की बात करें या सड़कें बनवाने की बात करें, तो उनको देखना है कि उनको इस तरह का नेता चुनना है जो उनके सारे कार्य को सफल कर सके। उनको पक्ष में रहते हुए भी विपक्ष का नेता कहा जाता था। एक ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है तो दूसरी शांति और सदाचार की मूर्ति। ऐसे में हम पूरे देश की बात न करके सिर्फ कटौती विधानसभा से अगर शुरुआत करना चाहें तो ऐसी छवि आप किस में देखना चाहते हैं, किस में देख रहे हैं? जी, ऐसी छवि मुझे लगता है एक 2005 में मेरे पिताजी को जनता ने विधायक चुना था और उनकी छवि आज बहुत ही ईमानदार नेता की छवि है। आज जो भी जनता है, जो भी जितने भी गांव में जानती हूँ, सभी बोलते हैं कि वो एक बहुत ही ईमानदार नेता रहे हैं। उन्होंने जितनी लोगों की नौकरियां लगवाई, जितने यहाँ विकास के कार्य किए, आज तक किसी विधायक ने नहीं किए। और लोगों का है कि इस तरह का नेता चुने जो विकास के कार्य कराए और उनकी जिसकी ईमानदार छवि हो और उसी को लेकर आगे बढ़े। लेकिन आज पूरे पटौदी विधानसभा की तमाम जनता त्रस्त है, दुखी है, परेशान है और वो बदलाव चाहती हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारे जो है नेता अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, दावेदारी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जनता को आप क्या राय देना चाहेंगे कि वो एक ईमानदार व्यक्ति को किस तरीके से परखे या इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए कौन उपयोगी है, कौन योग्य है, कैसे पहचानें? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो जनता जानती है किस तरह के काम हो रहे हैं और क्या हो रहा है। बाकी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 2005 में जनता ने मेरे पिताजी को चुना था और उनकी एक बहुत ही ईमानदार छवि है और उन्होंने बहुत से विकास के कार्य कराए थे, बहुत सी नौकरियां लगवाई थी। ये जो हमारा अस्पताल है पटौदी का, 50 बेड का अस्पताल है, उन्हीं के समय में शुरुआत हुई थी। चाहे कि ये कोर्ट की बात करें या सड़कें बनवाने की बात करें,
तो उनको देखना है कि उनको इस तरह का नेता चुनना है जो उनके सारे कार्य को सफल कर सके। उनको पक्ष में रहते हुए भी विपक्ष का नेता कहा जाता था, और मुझे लगता है जनता जानती है, जनता को अच्छे से समझ है वो किसे चुनना चाहिए किसे नहीं चुनना चाहिए। जब एक समय था जब भारत में 80% जनता अनपढ़ थी, और उस समय हमारी पटौदी की जनता ने राधा राव वीरेंद्र सिंह जी को अपना प्रतिनिधित्व के लिए चुना। वो हमारे पटौदी क्षेत्र से पहले चुने हुए CM थे। तो जब अनपढ़ जनता जो किसी भी कारण आज़ादी के कारण पढ़ लिख नहीं सकी, वो अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, तो एक पढ़े लिखे नेता जो उस समय में स्टीफन से पढ़े हुए थे, और वो चाहे राजा परिवार से थे फिर भी उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी थी, उसको चुनते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं पटौदी की जनता का ध्यान देना चाहूँगी कि वो आज जबकि पूरी जनता पढ़ी लिखी हुई है हमारी, तो वो इस तरह का प्रतिनिधि चुने जो अपना विकास की तरफ ध्यान दे चुका हो और अब जनता के विकास की तरफ ध्यान दे। जितने भी लोग अपनी दावेदारी करते हैं उनसे मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या उन्होंने अपने परिवार को संपन्न कर रखा है? क्या अपने बच्चे हैं जो अपने या अपने परिवार है उसको वो पढ़ा लिखा के शिक्षित करके समाज के लिए ऊपर ला पाए हैं? अगर वो ला पाए हैं तभी वो पटौदी की जनता के प्रति समर्पित हो पाएंगे। और दूसरा मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह से मतलब जनता को ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हो, जो जनता का प्रतिनिधि हो, जिसको जो है वोट मिली हो जनता से, जो ये बोल सकता है जनता मुझे चुन के लाई है पार्टी नहीं, तब मुझे लगता है कोई भी काम वो करवा पाएंगे क्योंकि जनता उनके साथ है। जिस तरह 2005 में जनता ने भारी मात्रा से वोट करके मेरे पिताजी श्री भूपेंद्र जी को चुना था, और मुझे लगता है पटौदी की आप एक एक जनता से पूछ लीजिए, उन बहुत ही ईमानदार उनकी छवि है, और जितनी नौकरियां उन्होंने लगवाई जितने विकास कार्य उन्होंने करवाए क्योंकि वो जनता के नेता थे किसी पार्टी के नेता नहीं थे। उनको पक्ष में रहते हुए भी विपक्ष का नेता कहा जाता था क्योंकि हर समय वो जनता के काम करवाते थे, और वो बोलते थे पटौदी क्षेत्र के लिए मैं हरियाणा सरकार से 1/90 हिस्सा अपना लेके ही रहूँगा। तो जनता अब समझदार है, वो अब सब कुछ समझती है, ऐसा प्रतिनिधि चुने जो अब खुद का भी विकास कर सके और जनता की मांगों को भी पूरा करवा सके। धन्यवाद। यहाँ बहुत से साथी हैं जो मेरे पिताजी के भी साथी रहे हैं, पिता समान है, बहुत सारी जनता है जो जिन्होंने मेरा पिताजी का भी साथ दिया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे इतना आशीर्वाद और साथ मिल रहा है जनता का, और उसके लिए मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से आगे बढ़कर उनका साथ दूंगी और अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए यहाँ का विकास करूँगी। इस तरह आपने सुना होगा कि राजा राव वीरेंद्र जी की पुण्यतिथि पे हमने यह अनुरोध रखा है, एक प्रस्ताव रखा है कि उनकी मूर्ति पटौदी चौक पे लगाई जाए, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको पता रहे कि वो हमारे पटौदी क्षेत्र से चुने जाने वाले पहले CM थे। करनाल को CM सिटी कहा जाता है, भिवानी को CM सिटी कहा जाता है, तो पटौदी तो सबसे पहले एक CM सिटी होना चाहिए, उसका भी विकास एक CM सिटी की तरह ही होना चाहिए। और यही मैं चाहती हूँ कि उनकी मूर्ति पे आते जाते मेरे युवा साथी जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें देखें और उन्हें हमेशा गर्व महसूस हो। जन संदेश क्या है आपका? पटौदी क्षेत्र की जनता बहुत सक्षम है, मुझे लगता है कि 14 साल हो गए हैं राजा राव वीरेंद्र सिंह जी भी 14 साल हो गए हैं, और मुझे लगता है कि अब उनकी मूर्ति बनवाने की जो हमने शुरुआत की है उससे मुझे लगता है कि जो 14 साल का वनवास रहा है पटौदी क्षेत्र के विकास के लिए वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, और सभी नेताओं का भारत सरकार का ध्यान पटौदी क्षेत्र की तरफ जाएगा, और दूसरा पटौदी की जनता भी एक ऐसा प्रतिनिधि चुनेगी जो कि उनके सारे कार्य करवा सके और उनकी तरफ से खड़ा हो, किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए, और पटौदी क्षेत्र का नाम गुड़गांव की तरह ही सारी दुनिया जाने। धन्यवाद। मैं सरदानंद मिर्जापुर से पटौदी क्षेत्र से। अपने क्षेत्र की जो जनता है उसके लिए आपका क्या कहना है? हमारे क्षेत्र की जनता है उसके लिए ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि राव साहब की पहले पढ़े लिखे थे, अनपढ़ जनता होते हुए पढ़े लिखे को चुना, अब पढ़ी लिखी जनता होते हुए अनपढ़ को चुन रही है, ठीक है। दूसरा बात, जो भी यहाँ MLA आता है वो जनता को लूटने की
मकसद से आता है, ना कि जनता को कुछ देने के मकसद से। हमारे सीएम में पहले भूपेंद्र चौधरी जी आए थे, उन्हें कोई छवि को कोई दाग नहीं लगा सकता। इसी तरह हम चाहते हैं कि भाई परल चौधरी को जनता सपोर्ट करे और भाई इनको कामयाब करे, ताकि हम इसको ज़बरदस्ती कह सके कि आपके पिताजी ने ये किया था, आप क्या कर रहे हो गलती से। ठीक है, जैसे कि राव साहब के परिवार, राजा राव, उनके परिवार को कोई दाग नहीं दे सकता, इसी तरह इनके परिवार को भी कोई दाग ना दे सके। हम तो इसलिए इसको सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि भाई जनता इनको MLA के रूप में स्वीकार करे। जैसे कि आज MLA साहब हैं अपने, अनाज मंडी में आए थे, किसानों की समस्या सुलझाने की बजाय वो उलझा और गए। आज तक बाजरा नहीं बिका है पब्लिक का। अगर MLA साहब होते, भूपेंद्र जी होते, तो कह देते अब तक तो उठाओ भाई, कहानी ख़त्म करो, यहाँ से भीड़ क्यों मचा रखी है। जैसे कि आप जानते होंगे काफ़ी बार ये रिवाड़ी रोड पहले भूपेंद्र साहब के जो राज में ही बना था, उसके बाद कोई कार्य नहीं उसमें। गुड़गांव रोड था वो पहले भूपेंद्र साहब के राज में बना था, उसके बाद कोई कार्य नहीं, थेकड़े लगे हैं, कार्य नहीं हो उस पर। अब जाके कोई बाईपास पास हुआ है, या बस अड्डा था अपना, वो भी भूपेंद्र साहब के राज में पास हुआ था, हॉस्पिटल भी, उसके बाद कार्य हुआ उस पर। नीम कोई रख तो गया, नीम रखे वो भी बड़ी बहुत बड़ी बात है। आजकल नीम ही नहीं रख पा रहे हैं, BJP है नीम ही नहीं रख पा रही है। कांग्रेस में भी कई नेता ऐसे आए थे तो नीम ही नहीं रख पाए कभी। हम ये नहीं करें कांग्रेस बढ़िया है या BJP बढ़िया है, नेता बढ़िया होना चाहिए जो जनता की दुख को समझे, वो नेता चाहिए हमें। नमस्कार जी, मैं नरेंद्र आलमदी गांव से बिलोंग करता हूं, यहां का पटौदी का लोकल बंदा हूं। मैं एक युवा हूं, ना मैं कोई नेता हूं ना कुछ और, बट मेरी सोच है सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों पे। तो मेरा कहना ये है कि यदि जैसे परल मैम ने बताया है कि हम यहां पे मूर्ति के लिए कर रहे हैं या लाइब्रेरी की कोशिश कर रहे हैं, राव साहब जी की मूर्ति बनेगी वीरेंद्र साहब की, तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि यदि ऐसी चीज़ कोई होती है तो हमारे लिए, सबके लिए, जो भी युवा है जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं, जिनको किताबें पुस्तकें अवेलेबल नहीं हो रही, वो यहाँ पे आकर के अपनी ये एक उनके लिए आगे के लिए एक अच्छी चीज़ होगी अगर यहाँ पे पुस्तकालय बनता है या लाइब्रेरी बनती है। दूसरा एजुकेशन का ये है कि देखो, जितने भी MLA आए, मैं इतना डीपली तो किसी को जानता नहीं हूँ, बट पहली जो पहला कदम है ना, घर से उठाया जाता है, तो जिनके जैसे अपने बच्चों को पढ़ाना ही सबसे मेन होता है, अगर वहाँ पे एजुकेशन नहीं है तो वो समाज को क्या दे पाएंगे। मैं तो मैम का सबसे चीज़ तो वो समझता हूँ, इनके घर में सभी एजुकेटेड है, बच्चों को तो इनको US में जा रहे हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कितना एजुकेटेड कर रखा है। तो वो यदि कल को अपने नेता बनते हैं, यहाँ आते हैं, तो एजुकेशन के मामले में इट्स ए पॉजिटिव फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। और उसी को रखते हुए मेरा फिर से धन्यवाद। मेरा नाम है जी राम भगत, गाँव बधाई। तो आपने तो भूपेंद्र जी को देखा है? हाँ जी, देखिए भूपेंद्र जी की कोई ऐसी बात बताओ कि आपको लगे कि वास्तव में उन्होंने कुछ ऐसे नारा कोई काम कराया। भूपेंद्र जी ने बहुत बढ़िया नेता थे जी हमारे, ऐसा नेता पटौदी में आया भी नहीं है, और जी काम करे खुला, मतलब दिल से, खुला दिल से काम करे, और आज तक कोई उसके ऊपर आँख नहीं टेक सका जी, कोई रिश्वत की किसी बात की भी। ये मतलब मैं उस टाइम, मतलब मेरी माँ सरपंच थी, कार्यकर्ता मैं था, तो हमने उसको मतलब 5 साल हम उसके साथ रहे, तो जी कोई भी कहीं चीज़ की वो नहीं है, और बढ़िया काम करे। हम तो जी इसी बात पर मतलब पटेल जी के साथ लगे हैं कि वे ठीक थे तो ये भी ठीक रहेगी, और ये पटेल जी का काम मतलब हमारे पटौदी वासियों काम करेगी। अजी हमारे गांव में करवाए हैं जी, 2 बोरिंग लगवाए, ये क्या नाम है जी, आंगनबाड़ी बनवाई, 1 स्कूल में कमरा बनवाया। भूपेंद्र जी ने हमारे गांव में कई काम करवाए हैं जी। नहीं जी, अब के कोई काम नहीं हुआ हमारा। तो अब जो है, अगला किसको देना चाहिए? हम तो जी प्रल चौधरी, ललित कुमार द्रापुर से, एक सरपंच। उनके साथ रहे वे खूब बढ़िया तरह, बहुत ईमानदार आदमी। आजकल जो विधायक हैं, पहले विधायक रह चुके हैं, अंदर तो बहुत सारा है, लेकिन काम करवाने की जो उनकी जो टेक्निक थी ना, वो एक बहुत ही अलग से थी।
लोगों के टच में बहुत ज़्यादा थे। गांव गांव में उनकी एक टीम भी थी, मिलने वाले भी थे लोग। बक्सी में 6 बजे जाके बैठ जाते, 6 बजे मिल लिया करते। ये उनकी खासियत थी, ईमानदारी उनका प्रतीक था। और हर महीने एक दरबार लगता था यहाँ पे पटौदी में, ताकि किसी को गुड़गावा नहीं जाना पड़े। पटौदी भी किसी की समस्या है तो पटौदी में ही सुलझा दिया जाए। ये उनकी टेक्निक थी, ईमानदारी की प्रतीक थी। उनके विकास कार्य तो आज भी जनता याद कर रही है भाई। जो शेर शाह सूरी मार्ग है, पहला उन्होंने बनवाया था भाई, कोई फाटक नहीं, कोई रुकावट नहीं, और पटौदी सीधा जाकर रेवाड़ी रुकता है। ये शेर शाह सूरी मार्ग उन्हीं का दिया गया है। और जितने भी उस टाइम में विकास कार्य हुए, जो डीग बना, डीग ये भूपेंद्र चौधरी के टाइम का बना, जो खारी पानी था, खारी पानी की वजह से पीने के पानी की दिक्कत थी उस गाँव में, उधर मधुपुरा ना। और वो डिग का शुरुआत उन्होंने चौधरी साहब भूपेंद्र जी ने करवाई। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।